ओम शांति। आप सबको स्वागत है। आज हम करेंगे रिकॉर्डिंग 18 जून के श्रीवरदान की, जहाँ परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम सदा के खुश और साथ ही साथ हर्षित रहने वाले हर्षित मुखी आत्मा बने। और उसके लिए हमें करना क्या है, हमारे पास में प्योरिटी पवित्रता की रॉयल्टी होनी चाहिए। अब ये है क्या चीज़ पवित्रता की रॉयल्टी, इसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे इस वरदान में। परमात्मा पिता कहते हैं, पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियल्टी वाली आत्माएं, मतलब कि इनके अंदर सत्यता है, रियल्टी है, सदा खुशी में नाचती हैं, जिनके पास में रियल्टी है, रॉयल्टी की रियल्टी, प्योरिटी की रॉयल्टी की रियल्टी, झूठी वूटी वाली नहीं, बाहर से दिखाने वाले नहीं, लेकिन सच्ची में वो अंदर से स्वच्छ दिल वाले हैं, साफ दिल वाले हैं, अपने प्रति भी और औरों के प्रति भी। उनकी खुशी कभी कम कभी ज्यादा नहीं होती है कि थोड़ी देर में किसी ने कुछ कहा और लग गया उनको चुप गया और उन्होंने उनके बारे में बुरा सोचना शुरू कर दिया, किसने कहा कैसे मुझे, इसको पता नहीं मैं कौन हूँ, इसकी ज़रूरत कैसे हुई, इसको मैं दिखा दूंगा, ये रॉयल्टी ऑफ प्योरिटी नहीं हुई। परमात्मा कहते हैं, दिन प्रतिदिन हर समय और खुशी बढ़ती रहेगी, उनके अंदर एक बाहर दूसरा नहीं होगा, वो जैसे अंदर हैं वैसे ही बाहर होंगे, वो अंदर से भी साफ बाहर से भी साफ, अंदर से भी सच्चे बाहर से भी सच्चे होंगे। ऐसी आत्माएं बहुत लकी होती हैं, ऐसी आत्माओं के मन में खुशी होती है, बहुत भोले होते हैं, बहुत साधारण होते हैं, किसी का कुछ बुरा नहीं सोच सकते हैं। वृत्ति दृष्टि, उनकी वृत्ति, उनका एटीट्यूड हो गया, दृष्टि देखने का नज़रिया, उनके बोल और चलन सब सत्य होगा, उनके अंदर मन में कोई खोट नहीं होगा, मेरापन नहीं होगा, मैं आगे बढ़ूँ दूसरों को पीछे छोड़ दूँ नहीं होगा, उनका एटीट्यूड हमेशा ये रहेगा कि सबको आगे लेके बढ़ना है। उनकी दृष्टि किसी के प्रति घृणा नफरत की नहीं होगी, बोल और चलन भी सब सत्य होगा, अंदर कुछ सोच रहे हैं बोल रहे हैं कुछ हैं, चलना चाहिए इस दिशा में चल रहे उस दिशा में हैं, ऐसे नहीं होगा। ऐसी रियल रॉयल आत्माएं चित्त से भी और नैन चैन से भी सदा हर्षित होंगी, उनका दिल साफ है, सोच साफ है, उससे भी वो हर्षित रहेंगी, हल्की रहेंगी, और साथ ही साथ नैन और चैन, उनकी आँखों में कुछ छुपा हुआ नहीं रहेगा, वो जो है जैसे उनकी आँखों से दिख जाए करेगा, और वो सच्चे दिल वाले होंगे। क्या आप ऐसा बनना चाहते हैं? क्योंकि आप जिस दिन ऐसा बन जाएंगे उस दिन आपकी खुशी का पारा चढ़ता रहेगा और आपको पता नहीं चलेगा कि इतनी खुशी कैसे मिल सकती है जीवन में, जो कि कुछ ना खरीद करके, ना कुछ नया पहन करके, ना कुछ करके मिल सकती है। ये है सच्ची खुशी, जो कि रॉयल्टी की रियल्टी के द्वारा ही मिल सकती है। कैसे करें इसको, इसके लिए आप ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जा करके इसका संपूर्ण ज्ञान ले सकते हैं। इसी के साथ ओम शांति।